Hello friends, welcome to the channel. Today we will do one more topic of literature and disability, and this time we will do a poetry written by very famous poet Raghubir Sahai. Inko Sahitya Academy Award bhi mil chuka hai, and the topic is The Handicapped Caught in a Camera. Let us proceed to the video now, and please do not forget to share and subscribe the channel. And initially you need to write about the poet. रघुवीर सहाय बहुत फेमस हिंदी पोएट रह चुके हैं. शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेज, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड जर्नलिस्ट एंड द चीफ एडिटर ऑफ द पॉलिटिकल सोशल हिंदी वीकली दिनमान. 1969 से 82 तक उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, एज आई टोल्ड यू, इन 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन लोग भूल गए हैं. आप अगर इतना सब कुछ लिखकर आएंगे एग्जाम में, बिफोर रीचिंग टू द मेन क्वेश्चन यू विल बी गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स. दिस पोम डॉक्यूमेंट्स द पर्सन ट्राइंग टू इंटरव्यू अ डिसेबल्ड पर्सन एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स हिम, सो नाउ टेल अस क्विकली अबाउट द सफरिंग, व्हाट इट इज लाइक. कैसा लग रहा है आपको सफर करते हुए, टेल अस क्विकली अबाउट द सफरिंग. एंड द इंटरव्यूअर seems to be not interested at all in listening to the genuine concern of this person. इस person के real concerns, real issues जानने का कोई शौक नहीं है इस media person को, and instead he or she wants to get infamous money shot of the helpless disabled person. This is the whole poetry from the point of view of media. We shall appear on television, we, the fit and able. We shall usher this poor wreck into a sealed room. We will ask him, so you're handicapped individual, are you? But why is this? You handicap, I guess it hurts, does it? और उसके बाद वो चाहेंगे अपना कोई close-up, उस person का एक close-up shot मिल जाए, zoomed in shot मिल जाए. Yes, so now tell us quickly about the suffering, what is it like? अकॉर्डिंग टू दिस पोएट रघुवीर सहाय, जो लोग मीडिया में हैं वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग मानते हैं, और दूसरा पर्सन जो उनके सामने बैठा है वो बिल्कुल वीक होता है, अगर नॉर्मल पर्सन है तब भी, और यहाँ तो हम हैंडीकैप की बात करें. दीज जर्नलिस्ट अप्रोच डिसेबल पर्सन एंड इंक्वायर, आर यू हैंडीकैप, इफ सो वाई इज इट डिसेबल्ड एंड हाउ डज दिस डिसेबिलिटी अफेक्ट हिम. Moving on, the poet claims that these media spokespersons are so nasty that they purposefully ask stupid questions to the disabled person in order to get some kind of poor response, जिससे कि लोग sympathy करें उनके साथ. When the disabled people are unable to respond to the question, the media spokesperson begin to respond the question themselves to gain fame. A media representative informs crippled disabled individuals that if they are unable to express their grief, their pain, people will never know about your sadness, your suffering. Please, कुछ तो बोलिए. Purposefully उनको injure करते हैं, force करते हैं, जिससे कि वो रोना तक शुरू कर देते हैं. The poet also pokes fun at the society. Society भी आखिर यही चाहती है, किसी और person को poor situation में देखकर actually society enjoy करती है. ये पोइट्री हिंदी से ट्रांसलेट की गई है, और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में भी पढ़ें तो यहाँ पर पूरी पोइट्री हिंदी में दी गई है. यहाँ से शुरुआत होती है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम जो कि स्ट्रांग है, हम एक दुर्बल यानी कि एक अपाहिज को लाएंगे कैमरे में, उसको बंद करके उससे क्वेश्चंस करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा, और उसके शॉर्ट्स को बड़ा बड़ा कैमरे में दिखाया जाएगा, उसके दुख के बारे में पूछा जाएगा, वो दुख बता नहीं पाएगा, और धीरे धीरे हम उसको रुला देंगे. और यहाँ लिखा है आखिर में इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यानी कि दर्शकों की मानसिकता की, वो भी किसी के पेन को देख कर बहुत ही खुश होते हैं, बहुत आनंद लेते हैं और बहुत इमोशनलेस हो गए हैं. दर्शकों को भी इंतजार रहता है किसी अपंग व्यक्ति के रोने का. लास्ट में रघुवीर सहाय कहते हैं कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अपाहिजों के ऊपर, उनका एम ये नहीं होता कि उनकी अपाहिजता, उनके हैंडीकैप से रिलेटेड एक सोशल अवेयरनेस जगाई जाए. सोशली सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स नहीं होते, अपनी टीआरपी के लिए बनाए जाते हैं. देयर पर्पस इज नॉट टू कम्युनिकेट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्सन और ड्रॉ ऑन इट टू मेक द वर्ल्ड मोर अकोमोडेटिंग, बट मेनली टू
स्टिमुलेट दी ऑडियंस, ऑडियंस में किस तरीके से आप सिंपथी जेनरेट कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोग्राम को देखें, उस प्रोग्राम की टीआरपी और उस प्रोग्राम का फेम बढ़े। दैट इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड शोइंग एनी हैंडीकैप पर्सन ऑन कैमरा। सो दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ द पोएट्री इज ऑल्सो द हैंडीकैप्ड कॉट इन अ कैमरा। As I told you in other videos as well, at present the classes are over because exams are going on. The syllabus is over for the previous batch and the new batches for the admission of Delhi University exams will start June onwards. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.